राजस्थान रामगढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ खेल मैदान पर रंगोली और रैली का आयोजन किया गया। इन दोनों कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य था कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक किया जाए। इस कार्यक्रम में स्थानीय कई स्कूलों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामगढ़ उपखंड अधिकारी महेश चंद्रमान, विशिष्ट अधिकारी के रूप में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद धवन, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी योगेश, विशिष्ट कार्यक्रम बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य मनीष वर्मा की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को मंच से संचालन व्याख्याता सुरेंद्र नागपाल ने किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनाव में सभी को जागरूक करना है, मतदाताओं को मत देने के लिए उत्साहित करना है और ताकि वे अपने मत का प्रयोग कर सके। इसी के लिए ये सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाई गई थी और उसी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा था। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा इस दौरान रंगोली बनाई गई, उन्हें पुरस्कार भी वितरित किए गए। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ के खेल मैदान में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत रैली और रंगोली प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 13 स्कूलों ने भाग लिया। संस्कार वैली, मुस्कान स्कूल, सैक्रेड हार्ट, लोकमान्य तिलक महाविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह कन्या महाविद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ बॉयज़ और आदर्श विद्या मंदिर, आदर्श विद्यापीठ, मुस्कान स्कूल, और बच्चों ने बहुत सुंदर कलाकृतियों के माध्यम से रंगों की रंगोली बना करके मतदाता जागरूकता का जो प्रयास किया वो वाकई में सराहनीय है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पे रामगढ़ उपखंड अधिकारी मौजूद थे और कार्यक्रम का निर्देशन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ के प्रधानाचार्य मनीष वर्मा जी की देखरेख में हुआ। और मौके पर रामगढ़ के विकास अधिकारी जी, तहसीलदार साहब और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। और इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले खास जो उनकी टीम थी उसमें रश्मि देव और सरला यादव, सुनीता कथुरिया आदि और लखपत नागर अध्यापकों ने उनका भरपूर सहयोग किया। संभवतः यह जो कार्यक्रम था आज का रंगोली का, वह अलवर का सर्वोत्तम कार्यक्रम रहा होगा, ऐसा आज कार्यक्रम को देखकर सभी अतिथियों को लग रहा था।